नमस्कार, न्यूज सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कस्बे जयथर से। किन्नर समाज में बधाई मांगने के बारे में क्षेत्र के बंटवारे को लेकर आपस में असमंजस। किन्नर समाज की महंत कांता ने जानकारी दी कि 2009 में किन्नर समाज का लिखित में फैसला हुआ था, परंतु लिखित में समझौता होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र से प्रतिद्वंद्वी जबरदस्ती बधाई मांग रहे हैं। देखें जयथर से सीडी वर्मा की ये रिपोर्ट। मेरा नाम है कांता महंत। कांता महंत जी, आपके यह मीटिंग किस विषय पे है? ये हमारे गांवों का विवाद था। क्या विवाद था आपके गांवों का? ये 2009 में हमारे को लिख के दिया। किसने लिख के दिया? रमजान ने। रमजान कौन है? रमजान बलबीरों का चेला। कहाँ का है ये? है ये सूरतगढ़ के हैं। तो क्या लिख के दिया उन्होंने? उन्होंने ये लिख के दिया, भाई ये गांव तुम्हारे हैं, अगर तुम ही मांगोगे हमारा कोई विवाद नहीं है तुम्हारे साथ। तो ये चेले का क्या नाम है? ये चेले का है रेखा, रेखा अरे रजनी। कहाँ के रहने वाले ये? ये भी सूरतगढ़ के। तो समझौते अनुसार फिर क्या हुआ आपका? रमजान तो मर गई है, जो लिख के दे के गई है। ये बाद में आए, बाद में आके इन्होंने हमारे गांव में बधाई मांगने शुरू कर दी। काम नहीं जानते रमजान को क्या था क्या नहीं था। तो आपके बैठ के इनके साथ कभी समझौता नहीं हुआ कि आप हमारे गांव छोड़ो या न छोड़ो? नहीं हुआ। बहुत बारी बोले हम हमारे गांव छोड़ो, इन्होंने कोई पुकार नहीं सुनी। तो कोई पुलिस थाना में कोई केस मुकदमा कोई ऐसा होया था? किसने, आपने करवाया या उन्होंने कराया? हमने कराया जैसर में। जैसर पुलिस थाना में? हाँ। तो पुलिस ने कहाँ तक जांच की, क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने बोला, पुलिस उनको बुलाया गया। तो पुलिस ने उनको बुलाया तो क्या हुआ फिर? वो बोले कि हम हमारे समाज में करेंगे बंटवारा फैसला। तो जो आपको लिखित में दिया गया है रमजान मुख्तारों ने, वो कौन सा पत्र लेटर है ये आप दिखाओगे जरा कैमरे पे? इसका जो बैक पर, इसमें कौन कौन से गांव लिखे हुए हैं? इसमें किकरा वाली जोड़ी, मानावाड़ा है, नमे वाली ढाणी, चंडीगढ़िया है, अरदासाली, बीरवाना, अरे ये सरदारगढ़, हिंदो। चलो, और कौन से सरपंच ने क्या लिख के दिया है? पेड़ पे लिख के दिया। हम गए, हम सरपंच के साथ सामने गए, सरपंच साहब बोले कह तुम आओगे हमारे को, पहले भी तुम ही आते थे हैं, पहले भी तुम ही आते थे हैं। वो बोले कि माई जी तुम ही आओगे, हमारे हमारे साथ बहुत धक्का करते हैं सूरतगढ़ वाले, हम उनको नहीं चाहते हैं, हमारे पुराने तुम ही हो, तुम ही आओगे, ये लेटर पेड़ पे लिख के देते हैं, हम कोई साथ बात होती है तो हम सभी गांव वाले आएंगे। अब आपके बड़ी पंचायत कब है? कल है हमारी पंचायत। कितने बजे? कल है 4 बजे, शाम को 4 बजे। 4 बजे तो वो रजनी और रेखा जिसके साथ आपका विवाद है वो भी आएंगे क्या? हाँ, उनको बुलाया जाएगा। कहाँ रखी गई है ये पंचायत? ये पंचायत रखी गई यहीं थाने में, पुलिस थाना जैसर में। जैसर में। तो आपको क्या लगता है कि ये समझौता हो पाएगा? वो तो फिर ही पता लगाएगा, वो आएंगे, मेरे भी गुरु आएंगे, भाई गुरु भाई आएंगे सब। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आपके जो समाज वाले? मेरे समाज वाले करनपुर से हैं, जिलालाबाद से, मटिल्ली से हैं, और अपने फाजिलके से, और अपने विजयनगर से, संदरी और मानगढ़। अब आप कौन कौन से गांव में बधाई मांग रहे हो? अब हमें उन गांवों में तो मांगते नहीं है अभी, जिस गांव में विवाद है उनमें नहीं मांगते ना। तो जो आपके प्रतिद्वंदी पार्टी है जिसका नाम आप बता रहे रेखा और रजनी, वो मांगते हैं? वो मांगते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती मांगते हैं? तो अब जो आपकी कल पंचायत होने वाली है उसमें आप क्या मुद्दा रखने वाले हैं? हम तो यही मुद्दा रखेंगे, हमारे को सरपंचों को लेटर पेन पे लिख के दिया है, जो हमारे लिखित है पुरानी है उसके आधार पे मांगेंगे, जो इनके गुरु थे ना वो लिख के दे के गए हैं, वो कहते हैं हमारे गुरुओं की लिखित नहीं मानते हम।
जैसर से किन्नर समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं जैसर कांता महंत के घर। इनकी जो आज मीटिंग हो रही है, मीटिंग में काफ़ी किन्नर समाज के लोग जो दूर दराज से आए हैं, इनका कहना है कि कल मंगलवार को हमारी महापंचायत होने वाली है शाम को 4 बजे, जिसके अंदर हमारे जो प्रतिद्वंदी किन्नर समाज हैं, जो हमारे गांवों से बधाई मांगते हैं, उनके भी पक्ष वाले आएंगे और हमारे पक्ष वाले भी आएंगे। हम दोनों को बिठा के आमने सामने वार्तालाप होगी और जो हमारे गुरु भाई हैं या हमारे गुरु हैं, जैसा वो कहेंगे उनको समझौते को हम स्वीकार करेंगे। जैसर से सीडी वर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 80 राजस्थान। धन्यवाद आप सब किन्नर बहनों का, किन्नर समाज के महान हस्तियों का। आप की बदौलत ही समाज सुधरा हुआ है।